नमस्कार दोस्तों, कश्मीर ट्रिप के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हैं गुलमर्ग में। पिछले वीडियो में आपने देखा किस तरह श्रीनगर हमने एक दिन में कवर किया, हाउस बोट में रहे, शिकारा में घूमे, लोकल फूड हमने खाया, सारे मेजर साइट सीइंग किए एक दिन में। अब हम आ गए गुलमर्ग में। यहाँ पर हम दो नाइट स्टे करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, गुलमर्ग की बर्फ को अच्छे से एंजॉय करेंगे और आपको बताएंगे गुलमर्ग में दो दिन रुकना वर्थ है कि नहीं है। हम यहाँ पर JKTDC हट में रुकने वाले हैं, जो बहुत अच्छा बजट अकोमोडेशन है और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहा हमारे लिए। हम वेजिटेरियन फूड गुलमर्ग के बारे में बात करेंगे और हम गुलमर्ग में होने वाली अदर एक्टिविटीज जो अवेलेबल है उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना गुलमर्ग एपिसोड। गुलमर्ग पहुंचने के लिए आपको श्रीनगर आना पड़ता है। श्रीनगर आइए, वहां से आप या तो टैक्सी के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी टैक्सी करते हैं तो वो आपका एक तरफ का 3000 रुपए तक किराया ले सकते हैं। ये 2000-3000 के बीच में वेरी करता है। अगर आप बारिश के मौसम में आते हैं तो आपको तनबर्ग तक की टैक्सी मिलेगी, वहां से आपको लोकल टैक्सी करके जाना ऊपर पड़ेगा। अगर आप रेगुलर मौसम में आते हैं तो आपकी टैक्सी ही ऊपर तक आएगी और आपको आपके होटल तक छोड़ेगी। अगर आप बस से आना चाहें तो आपको लाल चौक के पास श्रीनगर बस स्टैंड है, वहां से बस मिल जाती है और उस बस से भी आप आ सकते हैं। बाकी रास्ता अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां पर कि आपको तकलीफ हो, बहुत ज्यादा गोल चक्कर नहीं है, पूरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत। और यहीं से शुरुआत हो जाती है गुलमर्ग में पड़ने वाली बर्फ की। तनमर्ग के आय का जो सफर है बहुत ही खूबसूरत है। तो गुलमर्ग में हम सबसे पहले पहुंचे गुलमर्ग गोल्फ क्लब में। यहाँ पर क्लब हाउस है, यहाँ पर आपको आना पड़ता है अगर आप JKTDC हट्स में रुके हुए हैं। JKTDC हट्स में कैसे बुकिंग करा सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आप हट दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप हट्स में स्टे कर रहे हैं तो पहले आपको यहाँ आना पड़ता है। यहाँ से रूम नंबर एलोकेट करते हैं, उस हिसाब से फिर आप हट में जाते हैं। यहाँ पर आने की एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो ये भी थी कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत स्कीइंग होती है। अगर आप गुलमर्ग में थोड़ा बहुत भी स्कीइंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप सीधे गोल्फ कोर्स पर आए, यहां पर आकर आप स्कीइंग करें। 2000 रुपए उन्होंने हमसे चार्ज किए, जितनी भी देर आप स्कीइंग करना चाहें। और हमारे साथ जो लोग थे वो बड़े आराम से 1-1.5 घंटे में ही काफी अच्छी स्कीइंग करने लगे। गंडोला से ऊपर जाके स्कीइंग करने का कोई अर्थ नहीं है, वो लोग बहुत पैसा लेते हैं और वहां पर इतना स्पेस ही नहीं है कि वो आपको स्कीइंग करना सिखा सकें। तो आप गोल्फ कोर्स के ठीक सामने आए और यहां पर आके स्कीइंग का आनंद लें। तो लंच का समय हो चला था, हम सीधे गए बख्शी रेस्टोरेंट। गुलमर्ग आए और बख्शी रेस्टोरेंट ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया खाना हमने वहां पर अच्छे से एंजॉय किया, कश्मीरी दम आलू, कश्मीरी राजमा एंड ऑल, बहुत ही बढ़िया खाना। यहाँ वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, दोनों के लिए अलग मेन्यू बना रखे हैं। अगर आप गुलमर्ग में अच्छा खाना ढूंढ रहे हैं तो सीधे बख्शी रेस्टोरेंट में आए और बढ़िया खाने का आनंद लें। और गुलमर्ग में चलते चलते थक जाए तो स्लेज तो हर जगह मिल जाती है। फिर आ गए हम अपनी JKTDC हट के ऊपर। हमने 1 BHK हट ली थी, इसके 4500 रुपए पर डे के हिसाब से हमसे चार्ज किए गए। ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सिर्फ वहां से जाके बुक कराएं, किसी भी तरह के एजेंट के चक्कर में या फोन पर बुकिंग कराने की कोशिश ना करें, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आइए मैं इसका आपको एक क्विक रूम टूर दे देता हूँ। तो ये हम ऊपर आए और यहाँ पे लकड़ियां रखी हैं जिससे अंदर ही आग जलाते हैं हमारे लिए, जो केयर टेकर आपके साथ रहते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये लिविंग रूम है, ये बुखारी, ये डाइनिंग टेबल। बुखारी की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये यहाँ पर शूज उतारने होते हैं आपको आइडियली, क्योंकि पूरे में अंदर कारपेट बिछा हुआ है। ये अच्छा सा लिविंग रूम है, 3-4 लोग बड़े आराम से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। टेलीविजन लगा हुआ है, हालांकि हमने तो इसको छुआ भी नहीं। जियो का नेटवर्क बढ़िया आता है गुलमर्ग में, तो इसलिए आपको वाईफाई जैसी चीज जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर बैकअप है अपना खुद का, इन्होंने हमें इन्वर्टर दिया हुआ था, फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और साथ में है ये किचन, इसमें आरओ लगा हुआ है। और हालांकि हमने तो आरओ यूज नहीं किया, हमने मिनरल वाटर यूज किया। गैस है, सिलेंडर है,
कुछ एक बर्तन प्रोवाइडेड हैं, तो अगर आप अपने साथ चाय, मैगी, इस तरह की चीजें लेकर आते हैं या केयर टेकर से कहते हैं, तो वो सब आप बना सकते हैं खुद से ही। ये बाथरूम है, ये यहाँ पे एक टंकी लगी हुई है कि अगर पानी जम जाए पाइप में, ठंडा इलाका है, तो आप इसमें ही एक हीटर है और इससे आप जो है पानी यूज कर सकते हैं। ये बेडरूम है 1 BHK का, और अच्छा है ओवरऑल, काफी नया सा कंस्ट्रक्शन था, हर चीज की क्वालिटी काफी अच्छी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट प्रोवाइडेड, और ये जो हमने तो वैसे एसी को यूज किया वार्म मोड में 26 डिग्री पे चला के, ओवरऑल ये एक्सपीरियंस हमारे लिए काफी वर्थ रहा। JKTDC, अगर आप JKTDC हट्स में नहीं रुक पाते हैं किसी वजह से, तो ये मैं कुछ होटल्स के नाम दिखा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट गंडोला के आसपास के होटल हैं, आप पॉज करके इनके नाम नोट कर सकते हैं और मेक माई ट्रिप वगैरह से चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं। लोकेशन इन सारे होटल्स की काफी ज्यादा अच्छी है, तो आइए बर्फ में थोड़ी मस्ती हो जाए। हमारे हट से बाहर के जो नजारे थे ना, उसका क्या ही कहना, बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत क्या ही कहें। आप आराम से हट में गर्मी में बैठे हुए हैं, एसी की हीटर की गर्मी में, एसी गर्मी नहीं, हीटर गर्मी में, और बाहर ढेर सारी बर्फ पड़ी हुई है, स्नोमैन बनाइए, वॉक करिए बर्फ में खेलिए, और क्या चाहिए गुलमर्ग से। बीच बीच में बर्फ हटाने वाली मशीनें भी आती रहती हैं, ओवरऑल काफी एंजॉय करने वाली जगह है, गंडोला भी पास में ही है। तो अगले दिन सुबह उठे और चल पड़े गंडोला की तरफ, हमने गाइड कर लिया था, गाइड ने हमसे 500 रुपए लिए, बहुत ज्यादा वर्थ नहीं है गाइड करना, मोस्टली उनका काम आपके साथ को यही बताना होता है कि आप ये एक्टिविटी कर लीजिए, वो एक्टिविटी कर लीजिए, लेकिन अगर आप गाइड कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फोटो वोटो खींचने में हेल्प कर देते हैं, आपका सामान वगैरह उठा लेते हैं, गाइड आप करना चाहें तो कर लें। गंडोला की टिकट फर्स्ट फेज तक 740 रुपए की है, ऑनलाइन बुक याद से करा लें, वहां जाके नहीं मिलती है। सेकेंड फेज की टिकट 1900 रुपए की है, आप लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन नहीं थी, मुश्किल से 10-1 मिनट में हमारा नंबर आ गया। उसके बाद शुरू होती है गंडोला राइड, अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, पूरे गुलमर्ग का सबसे खूबसूरत जो हिस्सा है वो ये गंडोला राइड है, शांत होकर इसे एक्सपीरियंस करें, ब्यूटीफुल थिंग। ये जो नीचे आप घर देख रहे हैं, चरवाहों के घर हैं, गर्मी के मौसम में यहाँ रहते हैं, सर्दी के मौसम में नीचे की तरफ चले जाते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं, देख के ही सुरसुरी सी आ जाती है, लेकिन ओवरऑल सबसे खूबसूरत जगह अगर कश्मीर में कोई है तो गुलमर्ग है, और गुलमर्ग ट्रिप का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो है गंडोला राइड। लगभग 15 मिनट लगते हैं आपको ऊपर आने में गंडोला से, और यहां से आपको दिखाई देता है खूबसूरत बर्फ, और बर्फ ही बर्फ। हम मार्च के महीने में गए थे, चारों तरफ हमको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो यहाँ आपको थोड़ी कम बर्फ दिखाई देगी, लेकिन यहाँ मोस्टली आपको बर्फ दिखाई देती है। थोड़ा सा गंडोला से राइट लेफ्ट चलिए और आपको इस तरह की शांति दिखाई दे जाएगी। गंडोला के आसपास काफी भीड़ भाड़ होती है, स्लेज वाले, एक्टिविटी वाले, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जहां आपको देखा पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन जब गंडोला थोड़ा आगे वॉक करके जाते हैं तो
तो वहां से आपको बहुत ही खूबसूरत शांति भरे नजारे मिलते हैं और आप वहां बढ़िया फोटोग्राफ खींच सकते हैं। ज्यादा कुछ करने के लिए यहाँ पर अदरवाइज नहीं, अगर आप एक्टिविटीज ना करना चाहें तो ये एक कुआं है, कहते हैं इसमें 5 जगह से पानी आता है, दैट्स इट। और कहते हैं कि बरसात में भी, सॉरी सर्दियों में भी यहाँ पे हमेशा पानी रहता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं है, थोड़ा सा वॉक करिए और आपको शांति शांति मिलेगी। अब कुछ खाने पीने की बात कर ली जाए, एक थोड़ा सा लोग जो स्पेशली वेजिटेरियन या जैन होते हैं उनको ये होता है कि गुलमर्ग में आपको वेजिटेरियन फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर भर भर के प्योर वेज रेस्टोरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थोड़ा सा फूड कॉस्टली है, ऑफ कोर्स इतना ऊपर लाके आपको सर्व कर रहे हैं तो महंगा तो होगा ही, लेकिन कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है कि अनअफोर्डेबल हो। और एक दो नहीं, यहाँ पर ढेर सारे वेजिटेरियन और जैन रेस्टोरेंट्स हैं, आप इनमें से किसी में भी जा सकते हैं, सब एक जैसे हैं, काफी अच्छी सर्विस देते हैं, बहुत ही भले लोग हैं। ओवरऑल यू विल लव दिस एक्सपीरियंस, खाने पीने की कोई इशू नहीं। गुलमर्ग एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, स्नो एक्टिविटी के लिए दूर दूर तक तो खुले मैदान हैं, आप स्नो बाइक कर सकते हैं, स्लेज कर सकते हैं, और आप अगर कुछ ना करना चाहें तो कुछ ना भी कर सकते हैं। ओवरऑल लोग यहाँ पे स्नो बोर्डिंग या स्कीइंग करना काफी पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं स्पेस बिल्कुल है नहीं, स्कीइंग करने के लिए मैंने जैसा बताया था आप गोल्फ कोर्स के सामने जाकर ही करें, यहाँ पर समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है स्कीइंग करने के लिए। फोटो खिंचाने के लिए ठीक है, अदरवाइज अगर आप कोई भी स्नो एक्टिविटी करना चाहते हैं तो नीचे से ही करके आए। बाय द वे आपकी टिकट जो है केवल 2 घंटे के लिए वैलिड होती है, आप केवल 2 घंटे ही ऊपर रह सकते हैं, कभी कभी चेकिंग कर भी लेते हैं, अगर आप 2 घंटे ज्यादा आपने स्टे किया तो फिर आपको 500 रुपए की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो आप कोशिश करें कि 2 घंटे में कर लें, हालांकि ठंड ऊपर काफी होती है और आप 2 घंटे ज्यादा वहां पे स्टे कर भी नहीं पाएंगे। हम लगभग 1 से 1.5 घंटा करीब वहां पर रहे, हमने कोई एक्टिविटी नहीं की, पहली बार हम गुलमर्ग नहीं गए थे, हम गुलमर्ग पहले भी जा चुके हैं, तो इसलिए हमें स्नो एक्टिविटीज नहीं करनी थी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस वंडरफुल, गंडोला सबसे जरूरी चीज है, आप 10 बार गुलमर्ग जाते हैं तो 10 बार गंडोला कीजिए, गंडोला जैसा एक्सपीरियंस आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, गुलमर्ग जैसा ब्यूटीफुल, यू विल लव दिस प्लेस। एक सवाल जो अक्सर गुलमर्ग के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या हमको वहां से विंटर वियर्स अलग से परचेज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो आंसर है गम्बूट आप जरूर से लें, चाहे सर्दी हो या ना हो। हाँ, जैकेट्स अगर आपके पास गुड क्वालिटी डेकेथलॉन वगैरह की जैकेट्स हैं तो आपको गर्मी के मौसम में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है, टू बी ऑन सेफर साइड वो जैकेट्स आप ले भी सकते हैं। जितना अच्छा कपड़ा ओढ़ पहन के रखेंगे उतना ज्यादा आप एंजॉय करेंगे। तो आ गए हम अपनी वापस हट में, और ये गुलाम भाई हैं जो हमारे केयर टेकर थे, और ये बुखारी जला रहे हैं क्योंकि हम ऊपर से आए थे, थोड़ी सर्दी लग रही थी। ओवरऑल इन्होंने हमारी बहुत सेवा करी, बहुत ही भले आदमी हैं। और खाने पीने का क्या, तो यहाँ पर JKTTC हट्स में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको खाने पीने इंतजाम खुद करना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, आसपास जो रेस्टोरेंट हैं उनके मेन्यू केयर टेकर्स के पास अवेलेबल रहते हैं, आप उनको फोन कर दीजिए, वो खाना भिजवा देते हैं या केयर टेकर खुद जाके वहां से ले आते हैं। छोटी मोटी टिप्स, और ये लोग भर भर के आपकी सेवा करते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस गजब का रहा JKTTC हट्स में, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप वहां जा रहे हैं गुलमर्ग में, तो बजाय छोटे छोटे होटल्स में रुकने के आप JKTTC हट में रुकें और यू विल हैव दिस एक्सपीरियंस। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बहुत ही जल्दी हमारा पहलगाम सीरीज का वीडियो आने वाला है, कश्मीर सीरीज का पहलगाम वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।